हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फ्लिपकार्ट पे अपना कोई सामान रिटर्न करके अपना बैंक अकाउंट में पैसा लेना है तो आप किस तरीके से बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, यानी कि आप किस तरीके से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के अकाउंट में। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना होगा अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लिपकार्ट में। और दोस्तों, जैसे जब आप फ्लिपकार्ट में आते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे में अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। आपको अपना बैंक का अकाउंट इसमें ऐड करना है, उसके लिए सिंपली आपको ऑर्डर वाले ऑप्शन पे जाना होगा। कोई भी दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन नहीं देता जिसकी वजह से आप फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट डायरेक्टली ऐड कर पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी सामान आपको एक मंगवाना होगा और उसे दोस्तों आपको पहले तो रिटर्न करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलैंडर मेन कार्गो मैंने मंगा रखा था और मुझे इसे सिंपली रिटर्न करके अपना बैंक अकाउंट में पैसा लेना है, तो कैसे ले सकते हैं। और वो जो सामान होगा वो आपका कैश ऑन डिलीवरी होना चाहिए। यहाँ पर सिंपली रिटर्न वाले ऑप्शन पर हम एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों जब आप रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम हो सिंपली दोस्तों आप उस प्रॉब्लम को यहाँ पे टाइप कर दे। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ये थर्ड वाला ऑप्शन, और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में सिंपली हम कमेंट कर देंगे कुछ भी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इट इज़ नॉट माई साइज, नॉट माई साइज। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। नीचे में आपका एड्रेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं पैसे अपने बैंक अकाउंट में, या फिर आप इस सामान के बदला में दूसरा सामान लेना चाहते हैं, तो हमें सिंपली पैसे जो है अपने बैंक अकाउंट में रिफ़ंड चाहिए। तो इसके लिए सिंपली नीचे ये जो ऑप्शन आ रहा है रिफ़ंड का, सिंपली हम इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। और जैसे ही दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली दोस्तों आपको ऐड न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपना IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम भी इसे यहाँ पर टाइप करके और ऐड न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं। जब दोस्तों आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और आपने जितने भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड किए होंगे वो हर एक बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों आप अपना पिकअप एड्रेस अगर चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं चेंज पे क्लिक करके, और उसके बाद में सिंपली आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, सिंपली आपको सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों जब आप इतना सब कुछ कर देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपके फ्लिपकार्ट में ऐड हो जाता है। और दोस्तों आप जो सामान अभी आपको कुरियर बॉय लेकर जाएगा उसका भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा जो आपने ऐड किया है। तो कुछ इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से फ्लिपकार्ट में अपना बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। आई होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे में कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।